नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज हम एक ग्रेवी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रिच है। और एक ग्रेवी आप 15 सब्जियों में डाल सकते हैं आराम से। ये ग्रेवी बनाकर और किसी भी कंटेनर में स्टोर कर दीजिए 4 से 6 दिन के लिए आप फ्रिज में रख के। और झटपट अपनी सब्जी में ग्रेवी से आप एक अच्छी सब्जी तैयार करके डेली आप यूज कर सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा तड़के के लिए, तड़के में हम थोड़ा सा तेज़पत्ता लिए हैं, बाकी ये दालचीनी है, 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4-6 जो है लवंग है, 8-10 मरीच का दाना है, काली मिर्च, और एक जो है 2 लाल मिर्चा है, क्योंकि ग्रेवी हमें बनाना है तो ग्रेवी के लिए थोड़ा सा कलर होना चाहिए, इसलिए हम हरा मिर्चा ना डाल के लाल लिए हैं। तेज़पत्ता है, बाकी जो है आप देख सकते हैं बड़े बड़े टमाटर, और बिल्कुल रेड है क्योंकि ग्रेवी हमारी रेड होना चाहिए कलरफुल, तो बिल्कुल रेड टमाटर हम 6-7 टमाटर है जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लिए हैं, और 4 से 5 प्याज है जिसे हम छिलकर और बारीक बारीक काट लिए हैं। बारीक काटने के बाद हम अच्छी तरह से धुल दिए हैं। धुलने के बाद इस तरह से एक कपड़ा लेकर, कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, उसमें रगड़ रगड़ को हम उसको सुखा दिए हैं। और यहाँ पे 10 से 15 काजू है, और ये जो है लहसुन की कलियाँ हैं 10-12। अगर आप चाहें तो आप खसखस भी डाल सकते हैं इस ग्रेवी में, आप चाहें तो खरबूज का बीज भी डाल सकते हैं। तो ग्रेवी बनाने की बहुत सी तरीका होता है, आप जैसे भी चाहें उस तरह से आप ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई हम रख दिए हैं, और कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। अब इस समय जो है हम तेल डाल देते हैं, और सरसों का तेल है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें डालना है क्योंकि हमें प्याज को तल के निकालना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा हमारा तेल जो है गर्म हो गया है। तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हाँ तेल हमारा जो है अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इसमें हम पूरे प्याज को डाल देते हैं। और इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल ब्राउन करना है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनाना हो, जैसे कि आपके घर में 10-20 लोग हों, तो उसके लिए आप 2 से 3 घंटा पहले प्याज को काट के और धुलकर अच्छी तरह से कपड़े में सुखा दें। उसके बाद पंखे में भी आप 2-3 घंटा सुखा दें, तो तेल में जो है तड़केगा नहीं, आराम से प्याज ब्राउन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं हल्की हल्की ब्राउन हो रही है हमारी प्याज। इस तरह से चलाते हुए आप, क्योंकि एक तरफ जो है ब्राउन हो सकता है, अगर आप नहीं चलाएंगे दूसरे तरफ हमारा जो है नहीं ब्राउन होगा, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से आप चलाते हुए इसे ब्राउन करें। तो प्याज हमारा ब्राउन हो गया अच्छी तरह से, गोल्डन ब्राउन हुआ है। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं, और इन्हें इस तरह से हम किसी प्लेट में न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, और इसे हम निकाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है
अच्छी तरह से निकल गया। तो आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए हम तेल निकाल कर और वही कढ़ाई रख दिए हैं। अब इसमें देखिए तड़के के लिए है तो थोड़ा सा तड़का हमारा जो है अच्छी तरह तड़क जाए ताकि इसका फ्लेवर हमें हमारे ग्रेवी में अच्छी तरह से आना चाहिए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल हम धीमा कर दिए इस वक्त। और ये तेजपत्ता है, इसमें जो है काजू है और ये लहसुन की कलियां हैं। तो इन सारे चीज़ों को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और ये अदरक है, मिर्चा भी हम डाल देते हैं। तो सारा चीज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं। टमाटर डालने के बाद हल्का सा नमक डाल दे रहे हैं ताकि हमारे टमाटर जल्दी से मुलायम हो जाए। अभी ये 5 मिनट के लिए ढक के हम छोड़ दे रहे हैं। तो 5 से 7 मिनट बाद हम देखते हैं ग्रेवी के लिए हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट मुलायम हो गया है। अब ये जो प्याज है इसमें हम डाल देते हैं और गैस को हम ऑफ कर देते हैं और 2 से 4 मिनट के लिए इन्हें हम ठंडा होने दें। तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल दिए थे, देखिए कितना अच्छा हुआ है। तो इसे हम थोड़ा सा एक छन्नी की मदद से हमें बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए तो इसके लिए हम थोड़ा सा इन्हें छान देते हैं इस तरह से। देखिए किस तरह से निकल जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी पूरी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से छना गई है और इसमें थोड़ा सा निकला है। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चों छोटे जब बच्चे होते हैं उनके मुंह में जाता है तो ये स्वाद खराब कर देता है, थोड़ा सा ये मोटा रह जाता है तो इसलिए हमें छानना पड़ता है। अगर हम छान कर ग्रेवी को रख देते हैं तो सही रहता है, देखिए। और इन्हें बिल्कुल फेंके नहीं क्योंकि ये पूरा मसाला है। इन्हें फिर आप छोटा मिक्सर जार में जिसमें आप चटनी पीसते हो उसमें फिर कोई सब्जी अगर आप बना रहे हैं तो उसके ग्रेवी में डाल सकते हैं आराम से। तो आइए अब तड़के के लिए हम चलते हैं। तो देखिए कढ़ाई हमारी गर्म है, अब हमारे तड़के का टाइम है। ग्रेवी में हम तड़का लगाने जा रहे हैं। तो देखिए ये मस्टर्ड ऑयल है, जैसे कि आप जानते हैं ज़्यादातर हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज करते हैं। तो थोड़ा सा हमें ऑयल ज़्यादा लेना है क्योंकि हमें ग्रेवी को रखना है तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही डालना है। और तेल तो हमारा पहले से गर्म था तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा इसमें अब तड़का डालते हैं। तो यहाँ पे जीरा हम डालते हैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच।
अगर आपको अच्छा लगता हो तो हींग डाल सकते हैं, वरना अवॉइड कर सकते हैं, पर हम ज़रूर डालते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा किए हैं। अब इसमें हम डालते हैं कश्मीरी मिर्चा, लाल मिर्चा पाउडर है, ये जो है आपका धनिया पाउडर है। तो इन्हें बिल्कुल धीमा आंच पे हमें भूनना है, क्योंकि अगर हम धीमा आंच नहीं करेंगे तो हमारा जो है मसाला जल जाएगा। और इस समय थोड़ा सा गरम मसाला हम डाल देते हैं। हल्दी पाउडर है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुना गया है। अभी इस समय हम डाल देते हैं अपना पूरा जो है ग्रेवी का मटेरियल और इन्हें बिल्कुल धीमा आंच करके हमें भूनना है। थोड़ा सा हम इनको कटोरे को धुलकर पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है और ग्रेवी को अच्छी तरह से हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं अच्छा उबाल आ गया है मेरे ग्रेवी में। तो थोड़ा सा हम क्रीम इसमें डाल देते हैं। क्रीम से क्या है कि थोड़ा सा टेक्सचर बढ़िया आ जाता है, स्वाद अच्छा आता है। तो क्रीम हम थोड़ा सा डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खट की ज़रूरत हो। जैसे कि कोई कोई थोड़ा सा ग्रेवी में खट्टापन ज़्यादा चाहता है तो आप दही भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा मसाला जो है हमारे तेल से अलग हो गया है। अब हम इन्हें उतार देते हैं, गैस को ऑफ करते हैं और एक अच्छी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो बनता ही है, शेयर भी करिएगा। तो आइए इन्हें अब हम निकाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। अब किसी भी सब्जी में, आप जैसे जॉब पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी में हैं, तो तुरंत सब्जी काटिए और ग्रेवी डिब्बा से निकालिए और तुरंत बनाइए। थोड़ा सा नमक कम है तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी एक अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हो गई। धन्यवाद।